बैंक इंटरव्यूज किसी भी बैंकर के लिए अपने कैरियर में अपवर्ड मूवमेंट के लिए बार बार इंटरव्यू देना एक नॉर्मल इवेंट है, लेकिन हर बार जब बैंकर को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर हो, तो उसके माइंड में हमेशा एक एंजाइटी बनी रहती है कि इंटरव्यू को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। बैंकर की इन्हीं एंजाइटीज को, इन्हीं वरीज को सामने रखते हुए यह वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है। इंटरव्यू को किस प्रकार से लिया जाए, किसी भी इंटरव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाना चाहिए। सो बैंकर के लिए इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए बैंकर इंटरव्यू बोर्ड को अपने एटीट्यूड के बारे में, अपने अप्रोच टूवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में और अपना नॉलेज और अपना स्किल बेस के बारे में एक प्रॉपर जानकारी दिया जा सकता है। इंटरव्यू बोर्ड किसी भी कैंडिडेट से क्या जानना चाहता है ताकि उस कैंडिडेट के बारे में एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सके। इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैंडिडेट को अलग अलग क्वेश्चन पूछते हुए बेसिक अप्रोच रहती है उस कैंडिडेट से ज्यादा इंटरेक्शन करना, ताकि उस कैंडिडेट का एटीट्यूड, उस कैंडिडेट का अप्रोच टूवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन और उस कैंडिडेट का नॉलेज एंड स्किल बेस देखा जा सके और इन सभी का सूटेबिलिटी विद रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक फंक्शनिंग एग्जामिन किया जा सके और उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जा सके। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यह याद रहे उन सभी क्वेश्चंस के पूछने के पीछे इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए मेंबर्स का एक बेसिक एम रहता है, कैंडिडेट का एटीट्यूड, कैंडिडेट की अप्रोच एंड कैंडिडेट के नॉलेज एंड स्किल बेस को एग्जामिन करना और बैंकिंग सिचुएशंस में उसके क्या रिएक्शन रहेंगे इस चीज़ को लिंक करना, और फाइनली उस कैंडिडेट की सिलेक्शन के बारे में डिसीजन लेना। अगर कैंडिडेट के बारे में ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, तो कैंडिडेट को अपना प्रेपरेशन किस प्रकार से करना चाहिए। इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट अपनी पूरी प्रेपरेशन को दो ब्रॉडर सेगमेंट्स में डाल सकता है। प्रेपरेशन जिसका बेस रहेगा मैक्रो इन्फॉर्मेशन, एंड प्रेपरेशन जिसका बेस रहेगा माइक्रो इन्फॉर्मेशन। मैक्रो इन्फॉर्मेशन यानी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन, बड़ी बड़ी बातों की इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन में डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंटरव्यू, किस स्केल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस लेवल को सामने रखते हुए, द इन्फॉर्मेशन मे बी रिलेटिंग टू लेट अस से वर्ल्ड इकोनॉमी। द इन्फॉर्मेशन मे बी रिलेटिंग टू लेट अस से इंडियन इकोनॉमी। इन इंडियन इकोनॉमी द इन्फॉर्मेशन मे बी रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम।
और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम. वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही चेंजेस, इंडियन इकोनॉमी में हो रही चेंजेस, इनका इंपैक्ट इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर क्या होने वाला है, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर इनके सामने किस किस प्रकार के चैलेंजेस हैं. इसी प्रकार से मैक्रो इंफॉर्मेशन में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में हो रही डेवलपमेंट्स, आपके अपने बैंक में हो रही डेवलपमेंट्स, आपके अपने बैंक का मिशन स्टेटमेंट, आपके अपने बैंक का विजन स्टेटमेंट, आपके अपने बैंक की रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इन एडिशन टू दिस द इंफॉर्मेशन मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रो लेवल ऑल्सो. माइक्रो लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन मे बी रिलेटिंग टू योर ब्रांच और योर वर्क सिचुएशन. द इंफॉर्मेशन मे बी रिलेटिंग टू योर सेल्फ. और इस इंफॉर्मेशन में द इंफॉर्मेशन मे बी योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स. द इंफॉर्मेशन मे बी रिलेटिंग टू योर पर्सनल अचीवमेंट्स. ये सारी इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव. ये सारी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट को एक वाइडर हॉरिजन देती है, जिसके बेसिस के ऊपर कई क्वेश्चंस कैंडिडेट आसानी से इंटरव्यू बोर्ड को एड्रेस कर सकता है.